हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल्स न्यू इमित राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी जो नया जो डॉक्यूमेंट जारी किए गए, जैसे ओबीसी के हो गए, SC ST के हो गए, जो नए फॉर्म है जो ऑफलाइन है, उसको किस तरह से आपको भरना है, क्या क्या डिटेल वहाँ पे भरनी है और क्या उसमें बदलाव किए गए, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन से ऑप्शन के अंदर क्या डिटेल आपको भरनी है, तो और पटवारी की रिपोर्ट है वो किस तरह से करवानी है और नहीं करवानी है, वो भी इस वीडियो में जानकारी से बताने वाला। आज मैं आपको बताने वाला ओबीसी का हम यहाँ पे फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों, उसको 5 भाग में बांट दिया गया। पहले फॉर्म हमारा होता था वो 2 के अंदर हो जाता, लेकिन अभी इसका जो 5 पेज यहाँ पे कर दिया गया, तो किस तरह से कर दिया गया पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज्वाइन के पास रेड वाला बटन है सब्सक्राइब वाला, इसको दबा देना। पास में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, वीडियो आप सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो फाइनली दोस्तों, मैं बता दूं यहाँ पे आप पेज दे सकते हो केंद्र राज्य के, यहाँ पे थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। केंद्र एवं राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप NLX B, यहाँ पे ये बता रहे केंद्र और राज्य दोनों का दोस्तों एक साथ यहाँ पे कर दिया गया है। केंद्र और राज्य का जो अपने ओबीसी के जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आवेदक के परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड, तो सबसे पहले क्या करना आपको, हमें पहले उस पुराने वाले में हमें क्या वो जन आधार और आधार संख्या डालनी पड़ती थी, लेकिन इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे जन आधार संख्या यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद आता है आवेदक का पूरा नाम, आपको आवेदक का यहाँ पे पूरा नाम भर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना दोस्तों, यहाँ पे हमने बता दिया कि नाम आपको डाल देना है, जो कस्टमर का आधार के अंदर जो नाम होता है वही वही आपको यहाँ पे एकदम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बारी आती है कि आपको यहाँ पे जो डिटेल्स होती है वो आवेदक का पूरा नाम होगा, उसके बाद जो आवेदक यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे क्या करना, आवेदक का जो फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पे चिपका देना है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे आवेदक का पूरा पता, जो वर्तमान और स्थायी पता है वो दोनों आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे 4 नंबर कॉलम पे देखिए दोस्तों, स्थायी और पूर्ण पता यहाँ पे आपको डालने के लिए बोला जा रहा है, तो वो पूरा पता यहाँ पे आप डाल देना है। जैसे नहीं अपनी चीज स्क्रॉल करके, क्या आप आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं, अगर दोस्तों राजस्थान के मूल निवासी तो आपको टिक करना है यहाँ पे। यदि नहीं है तो आवेदक का मूल राज्य, दोस्तों यहाँ पे अगर नहीं है तो उसका आवेदक का मूल राज्य आपको डाल देना है। उसके बाद आता है धर्म, जाति और उपजाति, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे 3-4 कॉलम दिए हुए एक साथ में आपको, तो फर्स्ट में आ जाएगी यहाँ पे धर्म, उसके बाद आ जाएगी जाति, उसके बाद उपजाति और उपजीविका वर्ग, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर नहीं आपको बता दे इसको खाली भी छोड़ सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आ जाता है 9 नंबर, आवेदन केंद्र FPV वर्ग के लिए, राज्य पिछड़ा वर्ग के लिए किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है कि आपका यहाँ पे केंद्र के लिए है या राज्य के लिए। अगर राज्य के लिए तो आप राज्य वाले पे टिक कर देना, केंद्र के लिए तो केंद्र वाले के आपको टिक कर देना है। उसके बाद आता है जाति का क्रमांक, अगर आपको क्रमांक पता है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आवेदक के पिता का नाम आपको डालना है, आवेदक की माता का नाम हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों, माता पिता का नाम ज्ञात नहीं होने पर अब की स्थिति में संरक्षण का नाम, अगर माता पिता का नहीं है, अगर किसी और के पास बचा रह रहा है तो उसका आप भी अभिभावक का आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो। उसके बाद आवेदक के पति का नाम, अगर दोस्तों महिला का आप बना रहे हो यानी कि ओबीसी का, तो यहाँ पे पति का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद माता पिता के प्रति माता पिता की परिस्थिति, तो नीचे स्क्रॉल करो दोस्तों, यहाँ पे पिता माता पति, यहाँ पे जो संवैधानिक शिक्षण है यानी कि वो क्या कार्य करते हैं, अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उनका पद क्या है, वो सिस्टम आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे जैसे यहाँ पे केंद्रीय राज्य है, जो भी पद है वो आपको यहाँ पे आप मेंशन कर देना, अगर सरकारी राज्य से यानी कि सॉरी सरकारी नौकरी से विलियम करते हैं तो। इसके बाद ये चाह जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अगर कोई संगठन वगैरह है तो वो आपको डाल सकते हो, नहीं तो इसको यहाँ पे जिन जो आप पे लागू होता है टिक वही आपको यहाँ पे मेंशन करना, बाकी इसको खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद पब्लिक सेक्टर वगैरह ये सब आ गए। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करें व्यवसाय वर्ग, तो यहाँ पे तो उसको जो किसान के लिए, तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे व्यवसाय वर्ग उनको छोड़कर जो मत संख्या ख और ग के अंतर्गत आते हैं और व्यापार कारोबार उद्योग में लगे व्यक्ति, उपजीविका वृत्त संपत्ति के स्वामी, तो ये आपको मेंशन यहाँ पे कर देना था। नीचे आता है कि कृषि जोत माता पिता वयस्क बच्चे के स्वामित्व में है, तो अगर कृषि है तो वो यानी कि आपकी जो कितनी बोई हुई खेती है, कितनी सिंचित है, कितनी असिंचित है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नीचे आप जाओगे तो असिंचित के राज्य भूमि के अधिकतर सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिनियम सीमा में क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो नीचे स्क्रॉल करके यदि जोत सिंचित असिंचित है, राज्य भूमि अधिकृत सीमा क्षेत्र विधि परिवर्तन फार्मूले के आधार पर कुल सिंचित जोत है, तो आपको दोस्तों अगर आपके पास कोई यानी कि शहर में वगैरह जमीन है तो उसके भी आपको ब्यौरा देना है। अगर आपके पास बागान है, फल है या बागान का क्षेत्र जो भी है,
नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में स्थित भूमि और या भवन संपत्ति की व्यवस्थित संपत्ति का ब्यौरा वो भी आपको मेंशन कर देना। अगर आपके पास कहीं प्लॉट वगैरह तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि यहाँ पे आय धन, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आय आपको किस प्रकार से, तो कि यहाँ पे आय का जो फॉर्मेट है वहाँ पे दिया गया, समस्त कुटुंब क्षेत्र से वार्षिक आय वेतन और कृषि भूमि से आय एफ वर्जित करते हुए क्या आय करदाता है, यदि हाँ तो गत 3 वर्ष की वितरण की प्रति आ जावे क्या धन अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना कि आपको आईटीआर वगैरह फिल करते हो या आपको टैक्स वगैरह भरते हो, तो यस करना, नहीं था आपको नो कर देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्रार्थी का साइन दिनांक वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। जैसे हम दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे गवाह के लिए यहाँ पे बोला गया है कि गवाह की डिटेल आपको किस तरह से यहाँ पे भरने, तो फर्स्ट में आपने जो गवाह की यहाँ पे डिटेल भरनी, उसके बाद सेकंड में भी आपको गवाह की यहाँ पे डिटेल भर देनी है। तो गवाह दोस्तों दोनों वही हो जाएंगे जो पहले आप गवाह के यहाँ पे करवाते थे, तो वो भी आपका चल जाएगा। जैसे करेंगे यहाँ पे शपथ पत्र, यहाँ पे दोस्तों एक साथ में शपथ पत्र दिया हुआ है कि अविवाहित के लिए आप यहाँ पे इसी में से भर सकते हो, विवाहित के लिए सॉरी की यहाँ पे जो उम्र है वो बालिक और नाबालिग की दिशा में आप वहाँ पे एक साथ में यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे पटवारी रिपोर्ट वाला, दोस्तों मेन होता है यहाँ पे पटवारी रिपोर्ट का, यहाँ पे पटवारी रिपोर्ट क्या सिस्टम है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। दोस्तों जाति की पुष्टि हेतु प्रथमतः राजस्व रिकॉर्ड यथा भूमि जमाबंदी या अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हल्का पटवारी जांच रिपोर्ट है। दोस्तों अगर मान लीजिए जमाबंदी आपका डेटा वगैरह नहीं आ रहा है या किसी भी राजस्व रिकॉर्ड के आधार से, तो फिर आपको यहाँ पे पटवारी की रिपोर्ट यहाँ पे करवानी पड़ेगी, नहीं तो आपको कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो ये आपको एक बार ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट किस तरह से क्या क्या करना है वो पूरा डिटेल यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों लास्ट में हम आपको बता दें इस फाइल को आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे फॉर्म पूरा बना रखा है केंद्र के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन का पत्र, ये जो 5 पेज का है ये मैंने यहाँ पे पूरा निकाल रखा है। तो इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों बता दूँ ये डाउनलोड ये आपका जो फॉर्म है कब काम करना स्टार्ट होगा, वो 1 फरवरी के बाद में यहाँ पे काम स्टार्ट होगा, उससे पहले आप इसको यानी यूज में नहीं ले सकते हो 1 तारीख के बाद। दोस्तों यहाँ पे 1 फरवरी को ऑनलाइन किस तरह से करना है वो भी हम इस वीडियो में अगले वीडियो में आपको बताएंगे पूरी डिटेल के साथ। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हो कि SC ST के फॉर्म किस तरह से ऑफलाइन भरे जाएंगे, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो उनके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना दोस्तों।